बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन की कुत्ती अभी तक सुलझ नहीं पाई है। एक्टर के निधन की जांच सीबीआई के पास है। इस बीच एक्टर के निधन पर बनी फिल्म न्याय द जस्टिस का टीजर रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित बताई जा रही है। फिल्म न्याय द जस्टिस में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की भूमिका जुबैर निभाते नजर आ रहे हैं, जबकि फिल्म में श्रेया उनके अपोजिट यानी कि रिया चक्रवर्ती के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म के टीजर से साफ हो रहा है कि इसमें एक्टर के निधन के पहले की सभी चीजों को पेश किया जाएगा। फिल्म में सुशांत के पिता का किरदार आसरानी निभाते नजर आ रहे हैं। फिल्म को 11 जून को सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देते हुए रिलीज किया जाएगा। करीब 55 सेकंड के टीजर में सुशांत सिंह और रिया को दिखाया गया है। टीजर पूरी तरह से सुशांत की मौत कैसे हुई इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। टीजर की शुरुआत काफी धमाकेदार अंदाज में होती है। टीजर की शुरुआत मशहूर एक्टर महेंद्र सिंह की मौत ब्रेकिंग न्यूज से होती है, जो अपने घर पर आत्महत्या कर लेता है। जैसे टीजर आगे बढ़ता है एक्टर के निधन और फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ और एक्टर के निधन के पहले की चीजों को दिखाया जाता है। टीजर में दिखाया जा रहा है कि आखिर क्यों आत्महत्या की। फिल्म न्याय द जस्टिस विकास प्रोडक्शन के अंतर्गत बनी है। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के निधन की गुत्थी को दिखाया जाएगा। ऐसे तो अभी तक सुशांत केस पर सीबीआई की जांच जारी है, लेकिन फिल्म में हो सकता है कि पता लगे कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। फिल्म का निर्देशन दिलीप गुलाटी ने किया है। फिल्म में अमन वर्मा ईडी प्रमुख के रूप में नजर आ रहे हैं, सुशांत के पिता के रूप में असरानी, एनसीबी के प्रमुख के रूप में शक्ति कपूर और महेंद्र यानी कि सुशांत सिंह पिता के वकील के रूप में अनंत जोग नजर आने वाले हैं, जबकि सुधा चंद्रन बतौर सीबीआई चीफ नजर आएंगी।